स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के अंदर हम 11th फिजिक्स यूनिट नंबर 1, इसमें हमारे पास डायमेंशन का टॉपिक चल रहा था। तो डायमेंशन के हमारे पास एप्लीकेशन चल रहे थे, तो उसमें एप्लीकेशन नंबर अब तीसरा आता है, वेमीय विधि से एक भौतिक राशि के मात्रक पद्धति को दूसरी मात्रक पद्धति में परिवर्तित करना। ये अपने पास तीसरा एप्लीकेशन है इसका। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे भाई हमने फोर्स लिखा 10 न्यूटन, तो ये भौतिक राशि है, ये अपने पास संख्यात्मक वैल्यू है, और ये यूनिट है न्यूटन बल की। तो इसमें हमने करना क्या है, इसको हम एक्स मान लेते हैं, इसको एन मान लेते हैं नंबर को, और यूनिट को यू लेट कर लेते हैं। और जैसे एफ इक्वल टू हमने राइट कर दिया 10 डाइन, तो डाइन होती है सीजीएस यूनिट होती है बल की, बल्की सीजीएस यूनिट होती है डाइन। तो यहाँ से इसको एक्स मान लिया, इसको एन मान लिया, इसको मान लिया यू। तो भौतिक राशि तो हमारे पास एक ही है, बल और बल, लेकिन यूनिट अलग अलग है, मात्रक पद्धति अलग अलग है इनकी। तो हमने जैसे न्यूटन को डाइन में चेंज करना हो या डाइन को न्यूटन के अंदर चेंज करना हो, तो हम इस एप्लीकेशन नंबर 3 का यूज करेंगे। तो इसके अंदर हम एप्लीकेशन नंबर 3 का यूज करते हैं, ठीक है। तो हमने लेट किया कि माना पहली मात्रक पद्धति में x बराबर n1 u1, पहली जो मात्रक पद्धति है उसमें भौतिक राशि हमने x मानी, संख्यात्मक वैल्यू मानी n1 और यूनिट मानी u1। दूसरी मात्रक पद्धति में तो x बराबर आएगा n2 u2, तो ये x बराबर आ जाएगा, ठीक है। भौतिक राशि वही रहेगी, लेकिन इनके नंबर और ये यूनिट ये चेंज हो जाएगी। तो समीकरण 1 व 2 से n1 u1 बराबर आएगा n2 u2, n1 u1 बराबर आएगा n2 u2। तो अब हमने ऐसा माना भाई इनकी LHS बराबर है, तो हमने इनकी RHS को बराबर कर दिया। अगर दो समीकरण की LHS बराबर हो तो RHS बराबर हो तो LHS बराबर रखते हैं। तो हमने ये माना कि हमारे पास पहली मात्रक पद्धति u1, उसमें द्रव्यमान है m1, लेंथ है l1 और टाइम है t1। ये यूनिट हम मेजरमेंट करते हैं mLT में, तो ये आ जाएगा। और u2 लेट कर लेते हैं हम m2a l2b t2c, क्योंकि हम जो यूनिट का मेजरमेंट करते हैं वो तीन ही क्वांटिटी के अंदर करते हैं, mLT, इनके अंदर ही करते हैं अपन। तो इन दोनों की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो आप, तो यह आएगा n1 m1a l1b t1c। इसका मीन्स ये है कि जो पहली मात्रक पद्धति है इसमें द्रव्यमान m1, लेंथ l1, टाइम t1। इसमें द्रव्यमान में डायमेंशन है a, लेंथ में डायमेंशन b और टाइम में c। और यहाँ पे आएगा अपने पास n2 m2a l2b और t2c। अब देखो यहाँ से n2 यही पर रहना, तो n2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अपन ने। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई के अंदर इधर आएगा तो डिवाइड के अंदर, तो n2 बराबर आ जाएगा n1 m1a l1b t1c, ये अपॉन में आ जाएगा, तो ये m2a l2b और t2c। अब देखो यहाँ से n2 बराबर ये आएगा n1। अब यहाँ से देखो m1 अपॉन m2 इसकी पावर a, l1 अपॉन l2 इसकी पावर b,
और टी वन अपॉन टी टू इसकी पावर सी। ठीक है, तो हमने ये माना एन टू बराबर एन वन, इन दोनों को एक साथ राइट कर लिया, एम वन अपॉन एम टू, इन दोनों की पावर सेम है तो इनकी एक साथ यूनिट लगा दी, और एल वन अपॉन एल टू इसकी पावर बी, और टी वन अपॉन टी टू इसकी पावर सी। तो ये हमारे पास एन टू की वैल्यू फाइंड आउट करने का फॉर्मूला आया हमारे पास। ठीक है, जैसे हमने इसको ऐसे इस ऐसे कर दिया, जैसे ये अपने पास एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, तो इसको हम कैसे रीड कर सकते हैं, एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर। जैसे ये है एक्स की फोर अपॉन में जेड की फोर, तो इन दोनों की पावर सेम है तो एक्स अपॉन जेड इसकी पावर फोर। तो सेम इसी तरीके से हमने इनको यहाँ पर राइट कर दिया, एम वन अपॉन एम टू इसकी पावर ए, एल वन अपॉन एल टू इसकी पावर बी, और टी वन अपॉन टी टू इसकी पावर सी। तो ये आ जाएगा अपने पास। तो अब इस फॉर्मूले का यूज करके हमने न्यूमेरिकल्स निकालने हैं हमने। अब देखो न्यूमेरिकल्स कैसे करने, ये फॉर्मूला काम आएगा आपको। अब जैसे हम न्यूमेरिकल करते हैं, सवाल नंबर एक न्यूमेरिकल करते हैं अपन, न्यूमेरिकल है अपने पास विमीय विधि से बल के मात्रक न्यूटन को डाइन में परिवर्तित करो। तो हमारे पास सवाल है विमीय विधि से बल के मात्रक न्यूटन को डाइन में परिवर्तित करो। तो देखो यहाँ पे जो भौतिक राशि आई, यहाँ पे जो आपकी भौतिक राशि बनी, भौतिक राशि वो बराबर आई आपके पास बल, भौतिक राशि वो है बल, ये बल है आपके पास। ठीक है, बल आपकी बनी भौतिक राशि। फिर दे रखा न्यूटन को डाइन में, तो बल बल का एम के एस या एस आई पद्धति में मात्रक होता न्यूटन, और सी जी एस पद्धति में बल का मात्रक होता है डाइन, ये होता है डाइन। तो हमने सवाल को पढ़ा कि हमने एम के एस इस मात्रक पद्धति को हमने सी जी एस इसमें चेंज करना है, हमने एम के एस को सी जी एस में। तो हमारे पास है यहाँ पे बल के मात्रक, जैसे यहाँ पे आप राइट कर लो एक न्यूटन को आपने चेंज करना है, तो यहाँ पे आपने वन न्यूटन चेंज करने डाइन में कि भाई यहाँ से कितने डाइन आएंगे आपके पास। ठीक है, तो आपने सबसे पहले यहाँ पे देखा कि भौतिक राशि है बल, तो बल की विमा लिखो आप सबसे पहले, बल की विमा बराबर एम वन एल वन टी इनवर्स टू, ये बल की विमा अपने पास एम वन एल वन टी इनवर्स टू। तो कंपेरिजन करो द्रव्यमान में की विमा ए, लेंथ की बी, टी की सी। तो यहाँ से ए बराबर कितना आया वन, बी बराबर कितना आया वन, और सी बराबर कितना आया माइनस दो। ए बराबर वन, बी बराबर वन, सी बराबर माइनस दो। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर यहाँ पे आता ना ऊर्जा, ऊर्जा के मात्रा को जूल को अर्घ में परिवर्तित करो, तो यहाँ पे फिर ऊर्जा की विमा लिखनी पड़ती, जो भौतिक राशि है उसकी विमा लिख दो, और वहाँ से इनकी जो पावर है एम में तो ए की वैल्यू आ जाएगी, एल की जो पावर है वो बी की वैल्यू आ जाएगी, टी की जो पावर है वो सी की वैल्यू आ जाएगी। अब आपने सवाल को पढ़ा न्यूटन को डाइन में चेंज करना, ये आपको पता चल जाएगा जब आप फिजिक्स पढ़ोगे ना कि भाई कौन सा एम के एस मात्रक कौन सा सी जी एस मात्रक है। तो अब देखो आपने एम के एस को सी जी एस में चेंज करना है, तो यहाँ से वैल्यू आएगी एन वन एम वन एल वन टी वन, एन टू हमने करना है फाइंड आउट, तो यहाँ से वैल्यू आएगी एम टू की, एल टू की और टी टू की, ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास। यहाँ पे अपना हमारे पास एक न्यूटन, तो एन वन आ जाएगा एक, ये मीटर किलोग्राम सेकंड, तो ये एक किलोग्राम, ये एक मीटर और ये एक
सेकंड, ठीक है। अगर यहाँ पे 10 न्यूटन होता, 10 न्यूटन को डाइन में परिवर्तित करो तो यहाँ पे 1 की जगह फिर 10 आता, और ये एज इट आते यहाँ पे, इसके आगे कुछ भी नहीं, बस एम के एस, ये तो यही आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 10 न्यूटन होता तो यहाँ पे 10 न्यूटन को डाइन में चेंज करना, तो यहाँ पे एन की वैल्यू होती 10, तो एन टी फाइंड आउट करना है। ये है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, तो मास तो 1 ग्राम, ये 1 सेंटीमीटर और ये 1 सेकंड, ठीक है। अब हम जानते हैं कि, अब फॉर्मूला लगा देते हैं बस, वी नो डैट फॉर्मूला होता हमारे पास N2 बराबर N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B और T1 अपॉन T2 की पावर C। तो N2 बराबर आएगा N1 की वैल्यू 1, 1 किलोग्राम और अपॉन में 1 ग्राम, इसकी पावर 1 और 1 मीटर अपॉन में 1 सेंटीमीटर, इसकी पावर 1, 1 सेकंड बटा में 1 सेकंड, इसकी पावर -2। तो N2 बराबर आ जाएगा अपने पास, अब देखो यहाँ से 1 किलोग्राम है, अब यहाँ से देखो दोनों यूनिट सेम थे, तो सेकंड से तो सेकंड कट गए, यहाँ पे मीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर, यहाँ पे किलोग्राम, यहाँ पे ग्राम। तो अब हम इनको किस में चेंज करें, एक यूनिट बनानी, या तो दोनों जगह किलोग्राम या ग्राम। अब आपने यहाँ पे देखा कि भाई हमने एम के एस को CGS में चेंज करना है, तो सभी यूनिट CGS की होनी चाहिए जिसमें चेंज करना है, वो डैट मीन्स किलोग्राम बदलना है ग्राम में। तो यहाँ से आएगा अपने पास 10 की पावर 3 ग्राम बटा में 1 ग्राम, और यहाँ से आएगा 10 की पावर 2 सेंटीमीटर बटा में 1 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, और ये 1 की पावर -2। तो ये 1 की पावर चाहे कुछ भी हो, उसकी वैल्यू 1 ही आएगी, ये 1 की पावर है। तो ये ग्राम से ग्राम कट जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। तो N2 बराबर आएगा 10 की पावर 3 × 10^2, तो दोनों के आधार समान है, पावर जुड़ जाएगी, तो N2 बराबर आएगा 10 की पावर 5 डाइन। डैट मीन्स 1 न्यूटन के अंदर 10 की पावर 5 इतने डाइन होते हैं हमारे पास, ये डाइन होते हैं इतने, 10 की पावर 5 डाइन। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो के अंदर हमने एप्लीकेशन नंबर 3 पढ़ा है डायमेंशन का, और इसका पढ़ने एक सवाल किया है, इसका प्रूफमेंट किया कि भाई फॉर्मूला कैसे बना। अगली वीडियो के अंदर इसी टॉपिक के अपन 3-4 न्यूमेरिकल करेंगे। आज से पहले क्या थी, वीडियो में आवाज़ नहीं आती थी, साउंड वाली प्रॉब्लम थी, तो उसमें कोई वीडियो समझ में आ जाती थी, कोई नहीं आती थी। अभी साउंड वाली प्रॉब्लम ख़त्म है, अब आप इन वीडियो को देखो, नोट्स आपके पास भेज रहे हैं, वीडियो देखोगे, नोट्स उतारो कॉपी में, तो अपना आप समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो आज की बस वीडियो के अंदर इतना ही करेंगे, अगली वीडियो बनाएंगे 20 मिनट के आसपास बनेगी, और उसमें 4 न्यूमेरिकल करेंगे बस इसी के टॉपिक के ऊपर, न्यूमेरिकल मैंने फिजिक्स में। तो आप सभी बच्चों ने बस इतना ही करना आज की वीडियो के अंदर, बाकी अपन अगली क्लास के अंदर करेंगे। ओके, थैंक।